हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसा ही आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर ऐसे कोई मुझे कोई पोस्ट रेडी करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट न्यू, मैं जाती हूँ पिक्सल्स में, दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं कोई भी यहाँ से कोई भी एक पेज ले लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज का मुझे साइज़ क्या देना है, यहाँ विथ को मैं दूँगी यहाँ पे 1080 एंड हाइट भी मैं कितनी दूँगी 1080। रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे दे दूँगी 300। ओके, विद मेरे कितना रहेगा 1080, हाइट मेरी कितनी रहेगी 1080, दोनों मेरी इक्वली रहेगी। और मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन दे दी 300। और मेरे पास यहाँ पे है इंस्टाग्राम पोस्ट, इसको मैंने क्या किया क्रिएट। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक पेज क्रिएट हुआ। अब क्या करना है, जो मैं यहाँ पे रेफरेंस लिया था उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, सिर्फ कलर्स के लिए या फिर देखने के लिए। मैंने यहाँ पे ये दोनों रेफरेंस लिए, दोनों को मैं ओपन कर लूँगी। फिलहाल मुझे अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना हो या फिर आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना हो, अगर सपोज मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँ, सबसे पहले मुझे क्या लेना है यहाँ पे, कलर। कलर मुझे कौन सा चाहिए यहाँ पे, मैं पिकर पे जाती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया ऐसा कोई डार्क कलर, पिक किया। यहाँ पे मैं जाती हूँ, मैंने किया ऑल्ट बैक स्पेस, और देन सेकेंड मेरे पास यहाँ पे कौन सा कलर है, ब्राइट कलर। ब्राइट कलर के लिए मैंने अगेन यहाँ पे पिक किया, देख रहे ब्राइट कलर, मैंने अगेन पिक किया। और मैंने यहाँ पे न्यू लेयर ले ली, मैंने किया बी प्रेस किया, बी फॉर ब्रश। ब्रश को आपको कितना स्केल करना है, कैसा आप मैनेज करोगे, कितना बैलेंस करोगे, और सिंपल से मैंने यहाँ पे इसको किया क्लिक। अगर ऐसा कुछ मुझे पार्ट करना हो, देखो अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल आपको अलग वे में जाना है वो भी जा सकते हो। जैसे मुझे कलर अगर सपोज ये वाला चाहिए, तो कलर के लिए मैं क्या करूँगी, बेसिकली मैंने यहाँ से लिया ब्लू कलर, और क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड पे जाना है, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर मैंने यहाँ पे लिया। मुझे अगर सपोज अंदर का कलर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे बी मैंने प्रेस किया, इसको मैं पहले ऑफ करूँगी, यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लूँगी। अगेन मैंने यहाँ पे स्केल को छोटा करना है कितना आपको, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे काम किया। अगर आपको ज़्यादा इंक्रीज करना है तो आप ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हो, डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर कैसा आप यहाँ पे आउटपुट देना चाहते हो, कितना है। देखो पीछे बीच में बहुत ज़्यादा ग्लो है, अगर आपको ज़्यादा ग्लो देना है तो यहाँ पे क्या करो, स्केलिंग को मैंने किया डाउन। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल सा लिया। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे रेफरेंस में ये वाला फॉलो कर लेती हूँ। मुझे अब यहाँ पे ऐसा कुछ करना है, तो दिख रही लाइन आपको, अभी लाइन मुझे यहाँ पे, लाइन के लिए मैं क्या करूँगी, बेसिकली मैं यहाँ सकती हूँ पेन टूल, एक पेन टूल मैंने लिया। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मेरे पास क्या लाइन यहाँ पे ऐसे कुछ जा रही है, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ जाने के लिए मैंने किया कि यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक, इसको मैंने किया ऐसा कुछ क्लिक, ऐसा कुछ, बेसिकली मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ले लिया। देखो ऐसे ही कुछ है, कलर मुझे पिक करना है। कलर मैं अगर लेती हूँ, मेरे पास यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए, हल्का डार्क कलर चाहिए, तो डार्क में चले जाओ ऐसा कुछ कलर। अगर आपको लगता है हल्की स्केलिंग के साथ काम करना है तो हल्की स्केलिंग ले लो, आपको लगे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हल्का छोटा कर सकते हो, यहाँ पे अनलिंक करके ऐसा कुछ वर्क। सपोज आपको लगे कॉर्नर पॉइंट आपके बहुत ज्यादा, आपको थोड़े और कम करने हैं, तो क्लिक किया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसको मैंने कितने मुझे थोड़ा सा और पतला करना है, तो ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ, पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो हल्का टिल्ट में लेना, ऐसा कुछ लेना, तो वो भी आप ऐसा कुछ यहाँ पे ले सकते हो। कंट्रोल टी मैंने किया कितना मुझे यहाँ पे स्केल करना है। अब देखो यहाँ पे अनलिंक मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ हल्का सा जूम, और ऐसा कुछ मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ। अगर कलर गई आपको ये वाला चाहिए सेम कलर, तो सेम भी आप ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जैसे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ कलर मैंने लिया है। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कलर, तो आपको ऐसा कुछ कलर यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर ये लूंगी, मुझे अगर सेम अगर ये कलर चाहिए, तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन इसकी प्रॉपर्टीज पे मुझे कलर कौन सा चाहिए यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कुछ कलर लेती हूँ, तो विजिबल हो रही क्या वो, प्रॉपर नहीं हो रहा, तो सिंपल क्या करती हूँ मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया। ये भी अगर आपको ऐसा कुछ कलर लेना है तो वो भी मैं ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, पिकर यहाँ से अवेलेबल किया, ये कलर अगेन, और बैकग्राउंड मुझे कौन सा कलर देना है, ऑल्ट बैक स्पेस,
और ये मैंने ऑन किया, इसको मैंने डिलीट किया, देन मैं इसको कर लेती हूँ नीचे। अगर ऐसा कुछ करना हो, मुझे लग रहा है ये वाली जो लेयर है बहुत बड़ी हो, कंट्रोल टी मैंने किया हल्का सा, मुझे अगर स्केल करना है तो मेरे पास देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, तो मैं क्या करूँगी, मुझे अगर नॉर्मल लेना है फिल्टर पर जाती हूँ, ब्लर ब्लर ये गोशन ब्लर हल्का सा, मैं इसको आइडिया लगा। अगर ऐसा कुछ करना है ऐसा कुछ कर लो प्लान, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं नया ही यहाँ पे ले लेती हूँ। तो नए लेने के लिए मैं क्या करूँगी, बेसिक सा मैंने यहाँ पे ये कलर पिक किया, यहाँ जाती हूँ, न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ले ली, बी मैंने प्रेस किया, लीफ और ब्रश मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पे ऐसा कुछ। ये सपोज आपको यहाँ पे इस स्केल को मैंने डाउन किया, ऐसा कुछ वर्क पॉसिबल है लिटिल बिट, मैंने इसको ऐसा को देखो मेरे पास यहाँ पे हल्के से हार्डनेस आएगी अगर आप कॉर्नर पे करोगे तो। बेसिक मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट के दिखा, यहाँ पे डार्कनेस। अब मुझे अगर यहाँ पे डार्कनेस देनी है, डार्कनेस के लिए मैं एक काम और करूंगी, न्यू लेयर मैंने ली, यहाँ पे मैं कलर फिल करूंगी ऑल वेट स्पेस, न्यू बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, हल्की से मैंने स्केलिंग ले ली, वाइट कलर मैंने यहाँ पे लिया, ऐसा कुछ मैंने किया। इसकी मैं अगर ओपेसिटी कम करती हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर ब्लैक वाले को कम करती हूँ, किसी को मैं कम करती हूँ, मैं अगर सपोज ब्लैक वाले को मैं ऊपर लेती हूँ नीचे लेती हूँ, या फिर क्या किया मैंने यहाँ पे अंडू मैंने अगेन किया, मैं मास्क लेती हूँ, यहाँ पे मास्क लेके मैंने क्या क्या काम किया यहाँ पे, ऐसा कुछ डार्कनेस आपको दिखी, यस या नो, हल्की से मैंने स्केलिंग कम की यहाँ पे, ओपेसिटी सॉरी स्केलिंग नहीं ओपेसिटी मैंने कम की है, ऐसा कुछ आपका आउटपुट आया यस या नो। तो ऐसा कुछ करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पे वॉच, अब वॉच मुझे यहाँ पे क्या करनी है, गूगल से टाइप करनी पड़ेगी वॉच, मैंने क्या किया गूगल पे जाती हूँ, वॉच देन मैं इमेज पे जाती हूँ, पॉसिबल है, मुझे साइज यहाँ पे अच्छा लेना है, मैं साइज पे जाती हूँ, यहाँ मैंने क्या लार्ज। अब मैं देखती हूँ अगर मुझे कैसी वॉच चाहिए, कैसी आपको देखो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली मैं अगर जाती हूँ, दिस इज गुड, इसको मैंने शो इन फोल्डर किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, अच्छा है साइज, मैं करती हूँ सेव इमेज, ओके। अब क्या करना है, फाइल में जाती हूँ, क्या किया मैंने ओपन, देन मैं जो मेरी इमेज थी वो मैंने कहाँ सेव किया, लोकेशन में चेक कर लेती हूँ, वे इज माई लोकेशन, ओके कंट्रोल सी, देन क्या किया फाइल देन ओपन, और यहाँ से मैंने कंट्रोल वी, और इसको मैंने यहाँ पे किया ओपन, मैजिक वन टूल मैंने ऐसा कुछ लिया, ऑल्ट प्रेस की, क्या करना है मुझे मास्क पीएनजी बनी यहाँ पे यस या नो। अब मुझे इसको मूव करना है, मूव मैंने इसको नॉर्मली किया, ये वॉच को मैं ले लूंगी सबसे ऊपर, कंट्रोल टी मैंने किया, इसमें मैं करी सबसे पहले क्या करती हूँ, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करती हूँ, कितना छोटा करूंगी ब्लर नहीं होगी ये, तो राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी मैंने किया, फिलहाल मैं करती हूँ इसको स्केल, मुझे दिखाना है ऐसा कुछ लिटिल बिट, मैं इसको हल्का सा और स्केल ऐसा कुछ। अब जैसे येलो वाला जो मैंने यहाँ पे पार्टीशन लिया है, इसका मुझे कलर चेंज करना होगा, देखो यहाँ पे लाइट कलर है, यहाँ पे डार्क कलर है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने कलर पिक किया, यहाँ मैं जाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया, और बेसिकली मैंने यहाँ से लिया ऐसा कुछ, और ये हल्का सा मैं क्या करती हूँ इसको लेयर डाउन, मुझे ध्यान देना ये वाला पार्ट मेरा सेंटर होना चाहिए, तो कंट्रोल और ये वाला ऑप्शन मैं ग्रिड चेक कर लूंगी, कंट्रोल और ये एंटर के बाद में आपको मिलेगा ये वाला, दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ से ग्रिड चेक कर लूंगी कि कौन सा मेरे पास यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स ग्रिड मेरे पास यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 उससे ज्यादा है ना, तो मैं हल्का सा शिफ्ट कर सकती हूँ ऐसा कुछ। अब अगर मैं चेक करती हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड यहाँ क्लियर है यस या नो, तो यहाँ मेरे पास सेंटर में ही है क्या, नॉर्मली मैंने लिया, मैं अगर देखती हूँ
यहाँ मेरी वॉच ऐसे लेके मैं वहां पे, अब मुझे नीचे दिखानी है हल्की सी शेडो, तो शेडो के लिए मैं क्या करूंगी, न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ले ली, शेडो वाली लेयर कहाँ होगी मेरी वॉच वाली लेयर के नीचे। ध्यान देना शेडो हमेशा आपके नीचे होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा उसके ऊपर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लेती हूँ इलिप्टिकल मार्कर टूल, ऐसा कुछ मैंने किया क्लिक एंड ड्रैग। कलर फिल कौन सा करना है मुझे, कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी। हल्की सी मुझे स्केलिंग करनी है तो पॉसिबल है, मैं स्केल कर सकती हूँ ऐसा कुछ। फिल्टर पे जाना है, ब्लर देन गोशन ब्लर, यहाँ पे आपको देखो मैं अगर यहाँ पे शेडो दूंगी तो मेरी अलग से कुछ इम्पैक्ट आएगा। इससे मैं क्या करती हूँ, शेडो का मैं पूरा पार्ट में अलग ही करती हूँ, कि यहाँ पे क्या इतनी छोटी मेरी शेडो नहीं आएगी। कंट्रोल टी मैंने किया, अगर मैं इसको शेडो को वैसे कुछ बड़ा करती हूँ, और इसको मैंने क्या किया अनलिंक मैंने किया यहाँ पे, ऐसा कुछ मैं इसको छोटा कर लूँ। आइडिया लग रहा है, यस या नो, ऐसा कुछ। क्या करना है, फिल्टर ब्लर देन क्या करना है गोशन ब्लर। ओके किया, ऑपेसिटी में लिटिल बिट कम काम होगा मेरे पास, यस या नो। अब शेडो दी मुझे, रिफ्लेक्शन देना हो प्रॉपर, कंट्रोल जे मैं करती हूँ रिफ्लेक्शन के लिए, मैंने शेडो बाई लिया के नीचे रखा, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, फ्लिप वर्टिकल। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे शेडो बाई लिया के नीचे मैंने लिया, एंटर प्रेस किया, ऑपेसिटी का अमाउंट हल्का कम किया, क्योंकि ऐसा कुछ पार्ट होगा तो शेडो का रिफ्लेक्शन आएगा, और सॉरी रिफ्लेक्शन आएगा, यस या नो। ये पार्ट मैंने किया, दिख रहे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका दिख रहे, तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन दिखाना आपको जरूरी है। अगर शेडो आएगा तो आपका रिफ्लेक्शन भी आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका ऐसा कुछ अगर आपको दिखाना है बैकग्राउंड तो। अगर मैं शेडो की लेयर हटाते सिर्फ अगर मैं शेडो के लिए हटाऊंगी तो रिफ्लेक्शन अच्छा लगने वाला है क्या आपका, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो पहले आपका शेडो बनती है उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन बनेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ, इसकी मैं ऑपोजिट लिटिल बिट और कम कर देती हूँ, तो जब भी वॉच की हो रही है मैं वॉच की इतनी जाने देती हूँ, इसकी मैंने की हल्की सी, अब लगा आपको। अब क्या करना है, मैं नीचे वाले लेयर पे जाती हूँ, मास्क मैंने किया, बी मैंने प्रेस किया, स्केलिंग को मैंने किया डाउन, हल्का सा मैं ब्रश कर देती हूँ ऐसा कुछ, पॉसिबल है क्या। इतना मैंने यहाँ पे काम किया, अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं वॉचेस, बेस्ट लग्जरी वॉचेस, अगर ऐसा कुछ लिखना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप टूल लिया मैंने, क्लिक मैंने किया, मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट। अब बेस्ट का कलर मेरे पास कौन सा है, यहाँ पे वाइट में है तो वाइट में लिख सकती हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे लिया वाइट कलर। फ्लावर मैंने यहाँ पे मूव टूल से इसको मैं फ्लावर डबल क्लिक मैंने यहाँ पे अगेन किया, ये मैंने यहाँ पे किया, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना, इसका जो अलाइनमेंट है मैं ऐसा कुछ रखती हूँ, देखिए ग्रिड के ऊपर ही है, सेंटर में अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे सेंटर में है ये नहीं, कंट्रोल और ये ग्रिड काउंट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 का हाफ, 1 2 3 4 का हाफ है ना यहाँ पे, याद है देखो, तो ये पर इक्वली है, यस या नो। इसको मैंने किया, मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ प्रॉपर्टीज में और यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट ले लेती हूँ, तो यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा कि आपको कैसा फॉन्ट चाहिए, कैसा देना चाहते हो। सिंपल अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे, अगर इधर आपको लगता है पहले वाला अच्छा है तो पहले वाला सिंपल सा आप ले सकते हो, मैंने किया यहाँ पे अंडू, तो ऐसा कुछ करके भी आप काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है बेस्ट लग्जरी वॉचेस, देखो यहाँ पे मुझे अगर ये भी लिखना हो तो मैं क्या करूँगी, बेसिक से यहाँ पे मेरी यहाँ पे जो घड़ी है वो बहुत बड़ी हो गई है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अलाइनमेंट देखो 57 को ऊपर होना चाहिए, 57 को नीचे होना चाहिए, इसका मतलब कि आपका अलाइनमेंट है, दिख रहा है ये पार्ट आपको, ये मैंने किया, मुझे साइड में दिखाने हैं डॉट डॉट या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो बेसिक सा पार्ट में क्या करती हूँ यहाँ पे, मैंने लिया यहाँ पे, अगर इधर आप ये ऑफ भी करोगे तब भी आपका आउटपुट अच्छा आएगा, इसके साथ अगर आपका आउटपुट अच्छा नहीं लगेगा इसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो येलो कलर की स्ट्रिप है, ये अच्छी लग रही है क्या आप लोगों को, तो सिंपल आप इसको ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली वॉच दिखानी हो ऐसी भी आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। ये मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास क्या है यहाँ पे डॉट 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 कितने, फोर, फोर ऊपर है और फोर साइड में है,
तो इसको मैं बेसिकली कैसे दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया ऐसा कुछ। अब जैसे कि मेरे पास ऊपर है यहाँ पे, तो ऊपर के लिए मुझे क्या करना है, मैं कहीं और दिखा दूँ अगर पॉसिबल है क्या, मैं अगर साइड में दिखा दूँ अगर, जैसे कि क्या किया मैंने, अगर नॉर्मली मैं लेती हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं पहले ग्रिड को रिमूव करना है, मैं रिमूव कर देती हूँ, मुझे ये दिखाना ही नहीं। अगर आपको नॉर्मली यहाँ से रिमूव करनी है वो भी कर सकते हो ऐसा कुछ। अब मुझे अगर यहाँ पे नॉर्मली लेना है, मैंने क्या किया बेसिक सा ये पार्ट, मुझे कलर कैसा चाहिए, कलर डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर कि कलर आप क्या, लेकिन ध्यान देना कलर थोड़े से मेरे अट्रैक्टिव होने चाहिए। ये सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया, ओके इसकी मुझे कॉपी लेनी है, कंट्रोल सी एंड सॉरी कंट्रोल जे कर लेना, कंट्रोल सी मत करना, कंट्रोल जे कर लेना। मैं अगर देखती हूँ यहाँ पे कॉपी कहाँ आई है इसकी, यहाँ पे आई है। अब इन दोनों को मुझे अगेन कॉपी करना है, कंट्रोल जे कॉपी हुए दोनों, तो कॉपी में क्या करती हूँ दोनों को मैं साथ में ऐसा कुछ ले लू, अगर दिख रहा है यहाँ पे आपको इक्वली आपका अमाउंट आया है, ऐसे है ना, इन चारों को मैं साथ में अगर सिलेक्ट करती हूँ क्या करना है मुझे, यहाँ पे ग्रुप बना सकती हूँ मैं चारों का, कंट्रोल जी और इसको मैं ले लेती हूँ सॉरी कंट्रोल जे ग्रुप की कॉपी, कितना आपको अमाउंट ऐसा को सेट करना है, कंट्रोल जे ग्रुप की एक और कॉपी, आइडिया लग रहा है यस या नो, कंट्रोल जे ग्रुप की मैंने ली एक और कॉपी, इक्वली अमाउंट आपका गया यस या नो। अब मैंने सपोज ऐसा कुछ मैंने लिया, मुझे लगे बहुत बड़े ये डॉट डॉट मेरे हो गए हैं, सिंपल क्या करती हूँ सबको मैंने सिलेक्ट किया वन से लेके थ्री तक ग्रुप, कंट्रोल टी मैंने किया, इनको मैं स्केल कर सकती हूँ, पॉसिबल है क्या, सपोज इसको मैंने लिया, इसकी मैं कॉपी मुझे कहीं और भी अगर लेनी है तो वो मैं ले सकती हूँ। मैंने क्या किया चारों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी मैंने अगेन किया, इनको मैं लेती हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि डिजाइनिंग का मैं कहीं पे भी दिखा सकती हूँ ना, मुझे अगर लेनी है ऐसे कुछ मैं ले लूँ, अगर मैं इस साइड ले लूँ कि मैंने एक दिखाया है ऊपर की तरफ और दिखाया है मैंने साइड में, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो ऐसा कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ये मैंने यहाँ लिया, इसको मैंने यहाँ लिया, सिंपल मेरे पास यहाँ पे नीचे लोकेशन लिखनी है, साइड में आपका लोगो आएगा, तो लोगो के लिए फिलहाल मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, मैं लोगो नॉर्मल था यहाँ पे किसी कस्टम शेप से लोगो बना देती हूँ, लोगो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे फ्लावर टाइप में कुछ लोगो ले लेती हूँ। अभी क्या आप लोगों की क्लास हुई नहीं है तो मैंने क्या किया बेसिक से ऐसा कुछ यहाँ पे, कलर क्या देना है मुझे इसका, वाइट दिखा यहाँ पे, ओके कोई और कलर गाइस अगर आपको देना है, फिलहाल मैं करती हूँ उसके एक स्ट्रोक के अंदर या इलिप्स के अंदर ले लेती हूँ ताकि हाईलाइट हो गए कि लोगो है ये। क्लिक मैंने यहाँ पे किया, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर लेती हूँ मैं, सॉरी आपके जो शेप है ओके वो शेप के ऊपर ओवरलैप हुआ है, तो क्या करना है यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रखा, हल्के से स्केलिंग करनी है, कंट्रोल टी करो आप यहाँ पे कितनी आपको स्केलिंग करनी है, कलर हाईलाइट में कुछ दिखाना है दिखा सकते हो, नीचे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लोगो पॉसिबल है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिख दिया एलो जियो लोगो, लोगो है जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पे, डबल क्लिक मैंने किया, इसको मैं करती हूँ फ्लावर स्केल। अब ये वाला पोर्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिख रहा है ग्रुप वाला नीचे वाला, ये मैं इस वाले ग्रुप को मैं सबको उठाया और इसको मैं दिखाई तो कहीं और, क्योंकि लोगो साइड में मेरा आ गया तो वो पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको फिलहाल दिखा देती हूँ अलग से साइड में, या मैं इसको ऑफ भी कर सकती हूँ, ये मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिया, इसकी ओपेसिटी मैं कम कर सकती हूँ पूरे की, ऐसा भी कर सकती हूँ करना हो तो, फिलहाल मैं करती हूँ इनको यहाँ पे ऑफ, मैं सिर्फ यहाँ पे साइड में दिखाती हूँ, ओके। जैसे मेरे पास यहाँ पे है नीचे कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पे कुछ ब्लर किया हुआ है, तो बेसिकली मुझे कुछ ब्लर करना है, ब्लर के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे एलिप्स मैंने लिया और इसको मैं कलर देती हूँ ब्लैक, कंट्रोल टी मैंने किया, कितना मुझे स्केल करना है, एंटर प्रेस करना है, फिल्टर पे जाती हूँ, ब्लर देन क्या करना है गोशन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट,
ऐसा कुछ आपका आउटपुट आया, अगर ऐसा कुछ देना तो आप ऐसा कुछ दे दो, ओपेसिटी कितनी कम करनी है वो आप कम कर दो। देखना यहाँ पे कितनी कम करनी है, कैसे कम करनी है वो आप कम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कितनी आपको बैलेंस करनी है, कैसे आप रिमूव करना चाहते हो। ये मैंने यहाँ पे लिया बेसिक, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसको मैं फिलहाल ऑफ। बेसिक से आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ, अगर ऐसा कुछ बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर क्या कैसे लिखा है, योर एड्रेस है। मुझे नॉर्मली अगर देना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर पर जाती हूँ, मैंने क्या किया प्लस, वेयर इज माई प्लस, प्लस 9125272782 ऐसे कुछ। अब मुझे अगर यहाँ पे एक और नंबर ऐड करने में कर सकती हूँ, क्योंकि 91 के हो गया मेरा कोड हो गया, फिलहाल मैंने इसको रखा साइड में, मैंने क्या किया डबल क्लिक किया, इसको मुझे कितनी स्केलिंग चाहिए ऐसे कुछ। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मुझे यहाँ पे लिखना है एड्रेस, तो मैं क्या लिखूंगी, योर लोकेशन। मैं अलग अलग टेक्स्ट ले रही हूँ यहाँ पे, कोई मैं सेम नहीं ले रही, ऐसा कुछ मैं दे सकती हूँ। अब ध्यान देना ऐसा कुछ मैंने पार्ट किया, दोनों हमें इक्वली आने चाहिए, अलाइनमेंट दोनों का इक्वली होना चाहिए। दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि आपका जितना टाइप टेस्ट का था उतना ही आप ले लो, कितना है टेस्ट का 6, मुझे एड्रेस का कितना लेना है यहाँ पे 5 है, इस पर मैं 6 ले लेती हूँ। ओके हल्का सा बैलेंस कर लेती हूँ मैं इसको, ऐसा कुछ पार्ट पॉसिबल है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, यस या नो? अब जैसे मुझे करनी है इसकी प्रेजेंटेशन, से लिखा है फोन यहाँ पे, अब मुझे फोन के अंदर कोई चीज दिखानी है, तो बेसिकली क्या नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, फिलहाल मैं इसी को यहाँ पे क्रॉप कर लेती हूँ, या मैं क्या करती हूँ इसी की प्रेजेंटेशन क्रिएट करती हूँ, मैंने सी प्रेस किया C4, इसको मैं नॉर्मली क्या क्रॉप, ठीक है, एंटर प्रेस किया C4, अगेन मैं लेती हूँ C, इसको मैंने ऐसा कुछ क्रॉप। मुझे अंदर वाला पार्ट ये वाला अपना रिमूव करके मुझे अपनी वाली मुझे यहाँ पे इमेज डालनी है, तो मैं क्या करूँगी, पॉलीगन मैंने यहाँ पे ले लिया, टैप्स मैंने ऑफ किया, ये पॉलीगन से मैं रिमूव कर सकती हूँ ऐसा कुछ करके। मैं बनाना ही बताऊंगी, बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे वही बताऊंगी, डोंट वरी। ओके ऑल्ट मैंने प्रेस किया, मैं करती हूँ मास्क। अब वो इमेज मुझे अगर इसके अंदर डालनी है, मैं सबको पहले क्या करती हूँ यहाँ पे A2J जितना मैंने काम किया सबको मैं कर लेती हूँ यहाँ पे ग्रुप में, बैकग्राउंड को अनलॉक किया, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, सबको मैं ग्रुप में मैंने डाला। और फिलहाल मैं क्या करती हूँ इसकी कॉपी ले लेती हूँ यहाँ पे Ctrl J, जो कॉपी वाली लेयर है कॉपी वाली लेयर को मैंने क्या किया यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, राइट क्लिक मैं करूंगी अगर मैं सोचूंगी यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैंने सबको किया, जैसे कन्वर्ट टू स्मार्ट सारी आपकी मर्ज होगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ध्यान देना ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे काम किया। अब देखो नीचे वाला मुझे नहीं दिखाना, शेडो नहीं दिखानी, अलग से पार्ट है वो मुझे नहीं दिखाना, तो मैं क्या करती हूँ एंटर, इसको मैं लेती हूँ नीचे, ये वाला मेरा पार्ट आया है, यस या नो? Ctrl T करके अगर आपको हल्का सा चाहते हो स्केलिंग करना, कितना आपको बैलेंस करना है, लिटिल बिट मैंने इसको हल्का सा स्केल लिया, दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो हल्का सा आपको स्केल लेके बैलेंस करना पड़ेगा। नॉर्मली मैंने इसको ऐसा कुछ लिया स्केलिंग, ध्यान देना अगर अनलिंक करके करोगे तो आपका यहाँ पे स्ट्रेच होगा ऐसा कुछ, तो मुझे स्ट्रेच नहीं करना, मुझे क्या करना है बेसिकली यहाँ पे अपना पार्ट लेना, कैसे आपको लेना है, पहले मैंने लिया था तो वो परफेक्टली आया था, इसको मैं क्या करती हूँ हल्का सा और ऐसा कुछ, इसको हल्का सा नीचे मैंने लिया, लिटिल बिट मैंने इसको ज़्यादा ही लेना, मुझे हल्का सा लेना है यहाँ पे, इसको मुझे कितना बैलेंस करना है बैलेंस कर सकती हूँ हल्का सा अपर, एंटर प्रेस किया, लेयर मैं लेती हूँ डाउन वैसे मेरी यहाँ पे Ctrl T मैंने किया, शिफ्ट मैंने प्रेस किया, हल्का सा नीचे ले लेती हूँ कि मेरा जो ऐसा कुछ मेरा सेट हुआ, यस या नो? प्रॉपरली हमने सेट किया। अब क्या करना है, मुझे एक बैकग्राउंड पे लेना है इसको, तो बैकग्राउंड मेरा कैसा होना चाहिए, मैं जब भी फाइल फाइल जाके सेव एज, फिलहाल मैं सेव करती हूँ इसको इंस्टाग्राम के नाम से, इंस्टाग्राम मोबाइल वाला, ओके मोबाइल, और मेरी दूसरी वाली फाइल क्या है, वेयर इज माई, ओके एक ये है, इसको मैं सेव करती हूँ नॉर्मली इंस्टाग्राम पोस्ट,
इंस्टाग्राम पोस्ट दोनों को मैंने सेव किया। अब मुझे एक बैकग्राउंड लेना है, जैसे बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे जब इमेजेस ली थी देख ओपन, जब मैं यहाँ से लेती हूँ अगेन ये इमेज, देखा बैकग्राउंड कैसे है। मुझे सपोज कोई बैकग्राउंड लेना है, मैंने क्या किया यहाँ पे बेसिक से मैं पिकर कर सकती हूँ, यहाँ पे पिकर मैंने ये कलर पिक किया, वेयर इज माय पिकर, ये रहा कलर पिक किया। मैं फाइल में जाती हूँ न्यू, यहाँ से मैंने लिया एक HDTV पेज, इसको मैं क्या करती हूँ ओल्ड बैकस्पेस, ये मैंने किया सिंपल के लिए मुझे फोन वाली इमेज, ये फोन वाली मेरी इमेज है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। क्या करना है मुझे, मूव किस पे करना है, जो मैंने अभी बनाया था ना इस पे मैंने इसको किया मूव, ऐसा कुछ करके दोनों को मुझे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना हो, दोनों हो गए कंट्रोल टी मैंने किया, मुझे अभी कितना स्केल करना है, फिलहाल मैं लेती हूँ ऐसा कुछ स्केल, डबल क्लिक किया कॉर्नर पे और यहाँ पे लेती हूँ ड्रॉप शेडो ऑपेसिटी, दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ काम कर रहा है आपको ड्रॉप शेडो में, अगर ऑपेसिटी देखी डिस्टेंस देखा स्प्रेड देखा कोई काम नहीं कर रहा, देखो ध्यान से आप डिस्टेंस मुझे कम रखना है, ऑपेसिटी देखो यहाँ पे ऑपेसिटी कैसे रखनी है, एंगल चेंज करना है, अगर आपको ऐसा कोई ऑपेसिटी रखनी है तो आप ऐसा करो, वरना आप चेंज भी कर सकते हो कैसे आपको दिखानी है, ठीक है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ इसको मैं नॉर्मल लेती हूँ, इसको मैं लेती हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या है कोई आउटपुट नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, अगर सपोज मुझे यहाँ से आउटपुट नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल, ओके इसी के अकॉर्डिंग कलर फिल किया मैंने ऑल्ट बैक स्पेस, न्यू लेयर लेके गए इस काम करना ध्यान देना, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, ये लेयर लेना शेडो बेस के नीचे, इफेक्ट मैंने नहीं लिया ध्यान देना, इफेक्ट को मुझे ऑफ करना है ऑफ कर सकती हूँ, लेयर पे जाती हूँ फिल्टर देन ब्लर देन गोशन ब्लर, पॉसिबल है क्या अगर ऐसा कुछ मुझे काम करना हो अगर। तो अब आता है मेरा जो ये वाला जो पीस था, इसको क्या किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी और अपने इस वाले पीस पे तो मैंने क्या कंट्रोल डी आया क्या यहाँ पे, पहले कंट्रोल सी फिर मैंने कंट्रोल बी कर दिया, जो भी पेज चाहिए या तो मूव टूल से डायरेक्ट लेना है वो ले सकते हो, डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर। कंट्रोल टी मैंने किया ग्रुप पे जाते, कंट्रोल टी मैंने किया इसको मैं देती स्केल, ऐसा कुछ पार्ट मुझे इसके ऊपर लेना है ऐसा कुछ। अब मुझे नीचे वाला एरिया ये अच्छा नहीं लग रहा, दिख रहा है आपको ये, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वॉच वाली जो लेयर है उस पर ब्रश में कर देती हूँ, राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया, बैकग्राउंड है लेयर 6 आई थिंक, ये शेडो है शेडो के नीचे वाली है ना, तो मैंने बी प्रेस किया बी फॉर ब्रश, पॉसिबल है क्या ऐसा कुछ, मैंने इसका काम किया सिंपल, मैं करती हूँ ग्रुप को यहाँ पे ऑफ, बेसिकली मुझे इसके लिए ड्रॉप शेडो, मैं अगर देखती हूँ डबल क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप शेडो है तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ से परफेक्टली नहीं आ रही, मुझे प्रॉपर प्रॉपर्टीज की देखनी पड़ेगी, तो मैं क्या करती हूँ सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल वैसे लिए, तो अगेन मैं क्या करती हूँ एक रेक्टेंगल में लेती हूँ, कैसा चाहिए आपको, ओके न्यू लेयर मैं करती हूँ यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी, इसको मैं लेती हूँ ग्रुप के नीचे, फिल्टर देन ब्लर देन गोशन ब्लर, ऐसा कुछ मैंने किया। ऑपेसिटी में हल्की कम कर देती हूँ, मुझे साइड इस साइड नहीं दिखाते, मैं क्या करती हूँ मास्क मैंने लिया डी प्रेस किया और यहाँ से मैं रिमूव करना स्टार्ट, मैं अगर देखती हूँ यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे वो आ गई आपकी, मुझे इसको रिमूव कर, रिमूव के लिए क्या करूँगी बेसिक सा आइडिया लगा यस या नो, मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, ऑपेसिटी कितनी कम करनी है आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ काम पॉसिबल है कर सकते हो आप लोग। सपोज ये मैंने लेयर वाला इसको मैं लेती हूँ इस साइड लेना है, ये सपोज ग्रुप वाला आपको इस साइड लेना तो हल्का सा मैनेज कर सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस अगर मैं देखती हूँ रेफरेंस में देखो इसके ऊपर ही है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का कटआउट में किया है, अगर PNG आपके पास होगी तो आप बहुत ईजिली आप यहाँ पे काम कर लोगे, क्लियर हो रहा है यस या नो, अगर ऐसा कुछ करना है तो भी आप कर सकते हो।